क्यों मैं दुल्हन हूँ। तुम्हारे बेटे ने आखिर मेरे बेटे को मार डाला ना खुशु। तेरी फिर मुलाकात हो या ना हो, जाने से पहले बार फिर तुमसे माफी मांग। तो फिर अगर ये जहन्नुम है तो तुम अभी तक यहाँ क्यों चली, क्यों नहीं जाती? अब कौन सी रुकावट है? बेगम साहब, आप क्या तलाश कर रही हैं? मैं कुछ मदद करूं आपकी? कुछ नहीं, भाईजान ने मुझे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट पेपर्स दिए थे, मैं कहीं रख कर भूल गई हूँ, वही ढूंढ रही हूँ। क्या था उस कागज में, क्यों जरूरत पड़ गई आपको उस कागज की इस वक्त? उस वकील ने कहा है कि जितने इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं उनकी एक फाइल बना के। मेरा बेटा खैरियत से? आई एम सॉरी हारून साहब, हम इसे नहीं बचा सकते। नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं, मेरा जामिन बेटा सुना है। जामिन नहीं 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 जामिन नहीं, तुम्हारे लिए इत्तला आई है, जिस बंदे के मर्डर केस में तुम्हें यहाँ लाया गया है ना, उस बंदे की थोड़ी देर पहले डेथ हो गई है। बेगम साहबा, मोबाइल बज रहा है आपका। हेलो, नहीं नहीं, जामिन नहीं मर सकता, जामिन नहीं मर सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पानी लेकर आती हूँ बेगम साहबा आपके लिए। सकीना, पानी की जरूरत नहीं है, तुम ऐसा करो जल्दी से जाके अमल को बुला के लेकर आओ, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा अभी, फौरन अभी निकलना है मुझे, तुम जल्दी जाओ। अमल जाओ, अमल बीबी तो अपने कमरे में नहीं है, चौकीदार बता रहे थे कि वो कहीं गई हुई है। क्या मतलब है अपने कमरे में, ऐसे कैसे जा सकती है वो? मुझे नहीं पता, बस वो एनी बीबी आई थी और वो अमल बीबी से मिलकर चली गई। देखिए वो मेरे है नी? है नी मेरा बच्चा, मेरी जान हो गया। है नी, हारून भाई कैसे? थोड़े बेहतर है, शुक्र है। मुझे प्लीज उनके पास ले चलो। कब तक यहाँ पड़ी रहेगी तू? मैं कहती हूँ अपने घर चली जा, अपनी माँ के पास। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी वो, जान से मार देगी? माँ अपनी औलाद को जान से नहीं मारती। यहाँ क्या रखा है, ना जिंदगी है ना मौत है,
मैंने भी ऐसी गलती की थी जो अभी तक भटक रही हूँ। ज्यादा सोच मत, जा अपने घर जा। मुझे माफ कर दो कुलसुम, प्लीज मुझे माफ कर। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, सब कुछ मेरी खता है। नहीं अरुणा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप क्यों मुझसे माफी मांग रहे हैं? आपका कोई कसूर नहीं है इसमें, कोई कसूर नहीं आपका। कुलसुम, बेकाल का तो बाप नहीं था, शामिल के तो माँ और बाप दोनों थे, लेकिन हमने उसकी फिर भी तबीयत सही नहीं की। माफ कर दो मुझे, प्लीज माफ कर। मैंने अपनी सारी जिंदगी दौलत कमाने में सर्च कर दी। निकाल और शामी दोनों की जिम्मेदारी मेरे से थी, लेकिन मैंने क्या किया? हमने अपने बच्चों का ऐसा मुस्तकबिल तो नहीं सोचा था। क्या हो गया? सब कुछ खत्म हो गया। मामा, मामा मेरे चला गया। सब कुछ मेरी वजह से, सब कुछ मेरी वजह से। सुख कौन आ गया? आ रही हूं भाई। या अल्लाह, अमल मेरी बच्ची तुम आ गई। कैसी है मेरी बच्ची? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बगैर उदास हो गई थी, और ये क्या हालत तुमने अपनी बनाई है। अमिता जी, कुछ बोलती क्यों? जाओ बहन के लिए पानी लेकर आ। अरे आओ ना बेटा, आओ अपने कमरे में चलो। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई, तुम्हारे बगैर मैं उदास हो गई थी। काल के पास जा रही हूँ पुलिस स्टेशन। निकाल तेरा बच्चा। मैं अभी हारून भाई की तरफ से आ रही हूँ। शामिर तो रहा नहीं इस दुनिया में। हारून भाई को हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ज्यादा शदीद नहीं था, बहुत गर्म हुआ है।
माफिया मांग रहे थे मुझसे। आपसे क्यों? कह रहे थे कि मिकाल के बाबा तो थे नहीं, मुझी को ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन शायद मैं ना अपने बेटे और मिकाल दोनों में से किसी का भी नहीं ख्याल रख सका। वकील से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जमानत के लिए ना पूरी कोशिश कर रहे हैं। अमल का बयान तुम्हारी जमानत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे हक में गवाही दे। ऐसा क्यों कह दी? कहाँ है? अपने घर वापस चली गई। आपने जाने दिया उसे? मैं कैसे रोक सकती हूँ? सबसे कहा था उसे अपने साथ रखिएगा। वो मुझे बताए बगैर चली गई। तो वो औरत हूँ जिसका उसका बेटा जेल में, भाई शदीद बीमार है, तो पीटर इस दुनिया से चला गया बेआसरा तन्हा। लेकिन तुम्हें तो अभी भी उसी की फिक्र है। माँ का तो ख्याल ही नहीं है तुम्हें। सॉरी, आप ठीक कह रही हैं, मैं वाकई बहुत खुदगर्ज हो गया। आपको सच बताऊं, मेरा दिल गम से भर जाता है ये सोच कर कि आप अकेली हैं और आपका बेटा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। अच्छा ये बताओ कि अमल तुम्हारे हक में गवाही तो देगी ना बेटा? कुछ मैंने उसके साथ किया है, मेरी माफी बनती तो नहीं है? मैं उससे बात करूंगी, मैं उसे मनाऊंगी, मैं बात करूंगी उससे। वो मेरे हक में गवाही देगी, लेकिन अगर आप उसे इज्जत के साथ रुखसत करवा के अपने घर लेंगे, उसे वो हक देंगे जिसके लिए वो तरसती रही है, यकीन जाना मुझे सजा मिलने का कोई दुख नहीं। मैं उसे लेकर आऊंगी, मना लूंगी मैं उसे, मान जाएगी वो, मैं लेकर आऊंगी उसे।
खाक मेरी ये पोशाक मेरी, मैं किससे ये पूछूं कि क्या मैं दुल्हन हूं। जब से आई है चुप है क्या, किसी से बात नहीं करती? पता नहीं क्या बीत रही है हमारी अमल बाजी पे। अम्मी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो भी कहा उसका जवाब नहीं दिया। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने इस हंसते खेलते घर को बर्बाद कर दी। जब मैं वापस आई थी ना, तो मुझे लगा था अम्मी मेरी जान ले लेंगी, लेकिन उन्होंने तो मुझे एक लफ्ज भी नहीं कहा। अम्मी को अभी सिर्फ अमलबाजी की परवाह है, शायद इसलिए वो आपको कुछ कह नहीं रही हैं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है ना, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। बहुत गलत किया सबके साथ, पता नहीं मुझे माफी मिलेगी भी या नहीं। अमल, 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 चलो जल्दी चलो। अमल, 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 क्या हुआ अम्मी? आदिल का बाहर झगड़ा हो गया किसी के साथ, वो लोग उसे मार रहे हैं। चले इधर आए, मेरे साथ चले, चलिए चलो। क्या हुआ है? आदिल भाई को किसी से झगड़ा हो गया, अम्मी वहीं गई हैं। चलो। मिकाल, मिकाल, मिकाल कहाँ हो? मिकाल, मिकाल।
आशु आशु क्या काम है? आशु मेरे पास थोड़ी देर बैठ जाओ। अमल बाजी कहाँ है? वो किचन में खाना बना रही है। अच्छा आशु। हाँ बोलो क्या बात है? मैं अगर अमल बाजी से माफी मांगता हूँ तो वो मुझे माफ कर देंगी? उसी बात की माफी है, तुम उनसे बदतमीजी करते आए हो। हाँ मैंने उनको कभी बड़ी बहन की इज्जत नहीं दी। तुम ये मत सोचो कि तुम्हें माफी मिलेगी या नहीं, बस तुम्हें माफी मांगनी है। मैं तुमसे बड़ा हूँ आशु, मगर ऐसा लगता है मैं वहीं का वहीं हूँ और तुम बड़ी होती जा रही हो। मैं देखती हूँ। अमल फरनाज आई है, तुम छोड़ दो बाकी काम, मैं खुद देख लूंगी। उसे माफ नहीं कर सकती तो ये आंसू किसके लिए बहा रही है? ये आंसू तो हमेशा मेरे साथ रहे, सबने मुझे अकेला छोड़ दी, लेकिन इन आंसुओं ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। सब कुछ तो हो चुका हूं, मैं मानती हूँ उसने जो गलत की वो बहुत बड़ी है। गलत ही नहीं की, गुनाह की है। उस रात मुझे अल्लाह ताला ने बचा लिया फरनाज, वरना पता नहीं उस रात क्या कुछ हो जाता मेरे साथ। तुम वो बहुत ठीक कह रही हो माँ, लेकिन माफी तो गुनाहों की भी मिल जाती है। तो तुम खुद ही सोचो कि उस रात के बाद उसने तुम्हें कितना प्रोटेक्ट किया। किया है ना? हाँ किया है, सिर्फ इसलिए कि मैं उस रात खुद को बचा पाई थी। तो क्या तुम निकाल को कभी माफ नहीं करोगे? गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी माफी नहीं होती, सिर्फ सजा होती है, और उसे भी सजा मिलनी चाहिए। तो क्या तुम इस तरह से जिंदगी गुजार लोगे अकेले? बाबा के जाने के बाद अकेले ही तो रह गए। देखिए हम मिकाल को सेल्फ डिफेंस की बुनियाद पर बरी कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अगर माफी नामे पे साइन कर दें तो मिकाल की रिहाई जल्द अज जल्द मुमकिन हो सकती है। मैं जानती हूँ मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अगर तुम चाहो तो अगर तुम माफी नामे पर साइन कर दो तो मैं मिकाल को बचा सकता।
तुम्हारे मामू ने तुम्हारे बाबा के सारे शेयर्स तुम्हारे नाम कर दिए। इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर देना और ये एनी के खुला के पेपर्स हैं। तुम्हारे दोस्त ने अपना बयान बदल के तुम्हारे हक में दे दिया और उसने सारी हकीकत शुरू से आखिर तक बयान कर दी है। अमल ने भी उन्हीं से मिलता जुलता बयान दिया है। आप गई थी उसके पास? हाँ, वकील के साथ गई थी दरखास्त लेकर। चाहता हूं उसका जवाब। कोई और बात नहीं हुई उससे? अच्छी तरह से जानती हूं कि तुम क्या पूछना चाह रहे हो। नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो उसे मना लूंगी। मुझे उम्मीद है कि वो मान जाएगी और मेरे साथ घर आ जाएगी। तमाम गवाहों के बयानात, वकील साहिबान की जिरह और वाकयात को मद्देनज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, मुजरिम मिकाल अफसार और मकतूल शाहमीन ने हुकूक़ इंसानी की पामाली और अमल नयाब की इज्जत से किसी खिलौने की तरह खेलने की कोशिश की। बादे अज़ां मिकाल अफसार और शाहमीन के दरमियान होने वाली खींचतानी और आपस के झगड़े में शाहमीन का हलाक हो जाना मिकाल अफसार का सेल्फ डिफेंस साबित हुआ। ताहम अमल नयाब ने मिकाल अफसार की माफ़ी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। लिहाजा इन सब वाक़यात की रोशनी में और अमल नयाब के साथ की जाने वाली ज़्यादतियों के बदले में ये मौजूदा अदालत मिकाल अफसार को 3 साल कैद बामशक्क़त की सज़ा सुनाती है। मेरा बेटा 3 साल के लिए जेल चला गया, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। तुम चाहो तो अभी मेरे साथ चल सकती हो। लेकिन वो ये चाहता है कि मैं तुम्हें इज्जत से तुम्हारे घर ले जाऊं। चलोगी मेरे साथ?
मैं किसका अरमां, मैं किसकी लगन हूँ, सुलगती न जलती मैं ऐसी अगन हूँ, क्या मैं दुल्हन हूँ। कोर्ट में तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं, ना जेल में मुझसे मिलने के लिए आई। तुम मेरे किसी खत का जवाब भी नहीं देती हो, पता नहीं तुम मेरे खत पढ़ती भी हो या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें खत लिखता रहूंगा। काश मैं तुम्हारे जख्मों का मरहम बन सकता, काश मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता। अच्छा किया ना हमने ऑनलाइन कपड़ों का काम शुरू कर दिया। हाँ, जितने ऑर्डर्स आ रहे हैं मुझे तो लग रहा है कि हम जल्दी अपना बुटीक भी खोल लेंगे। पर ना ये सारे ऑर्डर्स रेडी हो गए हैं, बस इनके दुपट्टों की मैचिंग रहती है वो देख लेना। दो दिन में आ जाएंगे दुपट्टे डाय होके। बस किसी भी क्लाइंट को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अम्मी बाजी, आपके लिए खता है। आप एक काम करो, इधर आओ। आदिल भाई से कहो इधर आओ कि ये वाले कपड़े जो हैं इनको डिलीवर कराना है। आज ही, आज डिलीवरी जाएगी। ठीक है, चलो शाबाश, भाग जाओ। दुपट्टे कहाँ हैं? मैं दुपट्टे रखे आती हूँ, हटो साइड पे। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि तुम मेरे सारे खत पढ़ती हो, जवाब देने के लिए कलम भी उठाती हो लेकिन लिख नहीं पाती, या शायद लिख लेती हो और मुझे भेजना नहीं चाहती। शुरू शुरू में जेल के दिन बहुत मुश्किल थे मेरे लिए, लेकिन अब मैं तुमसे बातें करता रहता हूँ, तुम्हें याद करता रहता हूँ, तुम्हें खत लिखता रहता हूँ, किसी जवाब की उम्मीद के बगैर, किसी मोहब्बत की उम्मीद के बगैर। जिसने एतबार तोड़ा हो, इज्जत नफ्स को तोड़ा हो, तुम्हें उससे मोहब्बत करनी भी नहीं चाहिए। सुनो अमल आया, मैं तुम्हें आजाद करने के लिए तैयार हूं। मैं अब तुम पर अपनी कोई मर्जी मुसल्लत नहीं करना चाहता, कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ। तुम अपनी जिंदगी के हर फैसले के लिए आजाद हो अमल आया। मैं बस अब तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, सिर्फ खुश। मुझे पता है तुम मेरे इस खत का जवाब भी नहीं दोगी, लेकिन मैं फिर भी इंतजार करूंगा। जेल में यही काम तो है मेरे पास, इंतजार और सिर्फ इंतजार, तुम्हारे जवाब का मुंतजर। निकाल। इंतजार,
मैं भी इंतजार ही कर रही हूँ मिकाल, उस वक्त का जब मैं तुम्हें वाकई माफ कर दूँ। पर मैं ये इंतजार करती रहूंगी क्योंकि तुम्हारे बाद मैं किसी और की दुल्हन नहीं बनना चाहती। क्या मैं दुल्हन हूँ।